भारत में तो भक्तों का हमेशा गुणगान रहा है। ये देश ही ऐसा है जहाँ धार्मिक ग्रंथों में कहने को यद्यपि है कि ईश्वर प्राप्ति के तीन मार्ग हैं, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। लेकिन भक्ति मार्ग का इतना प्रचलन रहा सदियों से, साकार उपासना इतनी अधिक प्रचलित रही कि भक्ति, भक्ति मार्ग और भक्तों का संसार, ये बहुतायत में पाया जाता है। लोग कर्म मार्ग को और ज्ञान मार्ग को तो भूल से गए हैं कि ये भी कोई गीता के द्वारा कहे गए मार्ग हैं, वेदों उपनिषदों के कहे गए मार्ग हैं, या जो दूसरे भी दर्शन हैं, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, उन्होंने भी कहा है कि कार्य कारण सिद्धांत है, कर्म बहुत ही जीवन भर जरूरी है, आवश्यक है। लेकिन वेद जो निराकार उपासना की बात करते हैं, तो यहाँ जो अपने को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, वे तक अधिक संख्या में ऐसे लोग हैं, भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि वेद क्या है या वेद कहते क्या है। मैं अक्सर बताता रहता हूँ आश्रम में भी, और वैसे भी संपर्क होते रहते हैं लोगों से, तो वेदों का अल्प ज्ञान है। वे नहीं जानते हैं कि वेद निराकार की उपासना कहते हैं, ब्रह्म को निराकार मानते हैं। लेकिन वे पुराणों में आ जाते हैं तुरंत, 18 पुराण, और सब में साकार उपासना, सब में भक्ति, सब में देवी देवताओं की आराधना, मूर्ति पूजा। लगता है हिंदुओं ने यही मान लिया है कि देवी देवताओं की उपासना, पूजा, साकार उपासना, यही हिंदू धर्म है, यही सनातन धर्म है। तो भक्ति ठीक है, भक्ति मार्ग भी है, लेकिन आज चर्चा भी करते हैं हम कि भक्ति अगर है तो भक्त भी है। और ये भक्ति मार्ग वाले लोगों ने कहा है, और खास रूप से जो प्रवचन करते हैं, कि भक्त भगवान से भी बड़ा है। अक्सर सुना होगा आपने कि कहते हैं कि भक्त भगवान से बड़ा है, यानी कि भक्त बनो, अगर भगवान से भी बड़ा बनना है तो सीधा है, भक्त बन जाओ, आप भगवान से बड़े हो गए। भक्त बनने की प्रेरणा इतनी ज्यादा दी जाती है कि हर क्षेत्र में आपको भक्ति ही भक्त मिलेंगे। राजनीति में तो भक्तों की भरमार हो गई है, धर्म और अध्यात्म में तो भक्त हैं ही, लेकिन वे संख्या में बहुत ज़्यादा हैं जो राजनीतिक भक्ति हैं, राजनीतिक भक्त और राजनीतिक भक्त इस ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि वो स्वामी भक्त हो करके, स्वामी भक्त पहले बनता है और इसके बाद वो अंधभक्त पहुंच जाता है बन करके। देखिए, सोशल मीडिया में भी हर व्यक्ति एक दूसरे पर आरोप लगाता है कि वो तो अंधभक्त है, लेकिन अंधभक्ति भी बड़ी कारगर प्रक्रिया है, कारगर चीज है, कि बड़े बड़े विद्वानों को भी अंधभक्ति घेर लेती है। वे तर्क करना भूल जाते हैं, लॉजिक करना भूल जाते हैं। बड़े बड़े साइंस के ज्ञाता कहेंगे, हम फिजिक्स से MSc हैं, PhD हैं, डॉक्टरेट किए हैं, लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा कि वो अंधभक्ति तक पहुंच जाती है। भक्त होना फिर भी ठीक है, अच्छा है,
आप आस्था रखें, माता पिता के भी भक्त हो सकते हैं, अपने बड़ों के भक्त हो सकते हैं, और जो आपका आराध्य उसके भक्त हो सकते हैं। अच्छा है, आस्था जीवन के लिए भी आवश्यक है, लेकिन आस्था में तर्क बिल्कुल न हो, ये उचित नहीं है। और तभी विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, दार्शनिकों ने एक जगह त्रिनेत्र का उल्लेख किया है, थर्ड आई। शिव का नेत्र विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है कि शिव त्रिनेत्रधारी है। उसका आशय समझिए, आशय यह है कि इन दो आंखों से जो देखते हैं उससे काम नहीं चलता है। कई बार आप रस्सी को सांप समझ जाते हैं, तो तीसरा नेत्र अगर आपका उन्मीलित है, खुला है, तो आप अंधभक्ति से बच सकते हैं। और तीसरा नेत्र है क्या? ज्ञान का नेत्र, बुद्धि का नेत्र, तर्क का नेत्र। और ये स्वाभाविक रूप से उस सृष्टि निर्माता ने, जो प्रकृति आप कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसने ये शक्ति आपको दी है, हर व्यक्ति को दी है। इसके लिए पढ़ना लिखना आवश्यक नहीं। बिना पढ़ा लिखा एक दिन भी किसी कक्षा में न गया होगा, अक्षर ज्ञान भी नहीं होगा, उसके अंदर भी त्रिनेत्र है, तर्क का नेत्र है। क्योंकि वो जब बिल्कुल जंगल में रहता तब भी वो आग से डरता था, पानी से डरता था, जंगली जानवर से डरता था। क्यों? क्योंकि उसका तीसरा नेत्र था। लेकिन जब तीसरा नेत्र नहीं होता है तो कितना भी पढ़ा लिखा हो वो क्या हो जाता है? वो अंधभक्त हो जाता है। अंधभक्त भक्त से हट करके है। भक्त की सुंदर मर्यादाएं भी हैं, लेकिन अंधभक्त की कोई मर्यादा नहीं है। अंधभक्त मर्यादाहीन है। अगर कोई कहे कि मैं आग का बहुत बड़ा भक्त हूं और आग की पूजा करता हूं, आराधना करता हूं, उपासना करता हूं, तो क्या आग में हाथ रखने से वो जलेगा नहीं? किसी नदी की पूजा करता है तो नदी में कूद जाए तो वो डूबेगा नहीं? ऐसे अनेक उदाहरण बताए जा सकते हैं कि भक्ति ठीक है, लेकिन बिना ज्ञान के भक्ति अंधभक्ति में तब्दील हो जाती है। तो भक्ति में सावधानी बहुत आवश्यक है। और सावधानी किस बात की? सावधानी कि आपके अंदर ज्ञान है कि नहीं है। जो आपका आराध्य है, जिसके आप भक्त हैं, कहीं इस हद तक तो भक्त नहीं बन गए कि आप अंधभक्त की श्रेणी में हो गए। और ये राजनीति में बहुत होता है, धार्मिक क्षेत्रों में भी बहुत है। ऐसे ऐसे पाखंडी प्रवचन करने वाले और तरह तरह के अपने स्वयंभू प्रवचन करने का जो ठेका ले लेते हैं, तरह तरह की चालबाजियां दिखाते हैं और वैज्ञानिक क्रियाकलापों को धार्मिक आवरण कह करके चमत्कार बताते हैं। अनेक उदाहरण हैं जहां विज्ञान के कारण रिएक्शंस होते हैं, क्रियाएं होती हैं, लेकिन उसको वो छिपाते हैं और उसको कहेंगे कि ये धर्म का चमत्कार है और अंधभक्त बन जाते हैं आदमी। तो भक्त फिर अंधभक्त, इसी के बीच में एक स्वामी भक्त शब्द है, वो भी पवित्र शब्द है। आप अपने
आराध्य के प्रति स्वामी भक्ति रखते हैं। जैसे बहुत ही उदाहरण मिलता है कि कुत्ता बड़ा स्वामी भक्त जानवर होता है, वो उचित है। लेकिन फिर वही लक्ष्मण रेखा कि स्वामी भक्ति में कहीं इतना न बढ़ जाए कि वो अंध भक्ति हो जाए। तो स्वामी भक्त ठीक है, मगर अंध भक्ति में परिवर्तित ना हो। अंध भक्त की फिर बड़ी श्रेणियां हैं। अगर सर्वोच्च किस्म का अंध भक्त होता है तो उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं बचती। तमाम अंध भक्त घर में ही पागल खाने की तरह रहते हैं, अपने ही परिवार में इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि घर के ही लोग कहते हैं कि ये तो पागल हो गया है, पागल खाने जाते हैं। हाँ, एक यहाँ और भी वर्ग है जो दूसरों को दिखाता है कि वो पूरी तरह से अपने आराध्य पर, चाहे वो राजनेता आराध्य उसका हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र का आराध्य हो, चाहे कोई भी क्षेत्र का आराध्य हो, उस पर वो पूरी भक्ति रखता है। यहाँ तक सिद्ध करेगा कि वो पूरी तरह से, जिसको हम आप अंध भक्ति कहते हैं, वो रखता है। लेकिन वो इतना भी बेवकूफ नहीं होता है, इतना अनाड़ी नहीं होता है, वो बहुत ही धूर्त भी होता है। वो जरूरी नहीं कि वो धूर्त ही हो, वो सरल हो सकता है, सीधा हो सकता है, लेकिन संख्या उनकी बहुत है जो धूर्त होते हैं। वो जानते हैं कि हाँ, जिस जो उनका आराध्य है वो गलत है, उसके तौर तरीके गलत हैं, लेकिन वो भक्ति इसलिए करता है, अंध भक्ति के स्तर पर पहुंचकर करता है कि उसको उसी से लाभ है, उसी की रोटियों से पलता पुसता है, इसलिए वो अंध भक्ति स्वीकार करता है। तो आज के युग में जब जीवन यापन के साधन बहुत कम हो गए हैं, बहुत संख्या में होने के बावजूद भी चूंकि जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है तो जीवन यापन खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है, इसलिए भी तमाम लोग अंध भक्ति की ओर बढ़ जाते हैं और अंध भक्ति में आनंद लेते हैं। अंध भक्तों को मैं तीसरे नेत्र खोलने की सलाह क्या दूं? अगर वो सीधे और सरल अंध भक्त हैं तो उनको तो यही संदेश देता हूँ, सलाह देता हूँ कि वो अपने अंदर झांकें, चिंतन करें, मनन करें, भले ही वो पढ़े लिखे नहीं हों तो भी तर्क का सहारा लें और तर्क और आस्था में बैलेंस रखें, समन्वय रखें। लेकिन जो अंधभक्त ऐसे हैं जो बहुत ही चालाक हैं, जानकार हैं, उनका तीसरा नेत्र तो खुला ही है और उसी तीसरे नेत्र से जानते हैं कि उनके लिए क्या लाभकारी है, अंध भक्ति लाभकारी है। तो अगर ऐसे लोग हैं तो समाज में उनसे सावधान रहने की भी आवश्यकता होती है कि अंध भक्त तो स्वयं लाभ लेता है। जैसे आप देखते हैं कि झाड़ फूंक करने वाले के पास, तमाम तरह के पाखंड करने वालों के पास, तमाम कहीं कोई कंबल बाबा होगा, कोई ये बाबा, कहीं कोई डंडा वाला बाबा, और तरह तरह के रोग मर्ज और ये सब ठीक करते हैं, तो उनके यहाँ जो जाने वाले लोग हैं वो तो अंधभक्त हो सकते हैं, लेकिन जो मेडिएटर हैं, जो उनके पास ले जाने वाले लोग हैं, वो दिखाते यही हैं कि वो पूरी तरह से अपने उस पर, चमत्कारी बाबा पर आस्था रखते हैं और पूरी भक्ति रखते हैं, मगर वो अंधभक्त नहीं होते, वो बड़े धूर्त होते हैं। वो अंधभक्त न कर कह करके वो कहते हैं कि ये वैज्ञानिक स्तर पर परखा हुआ उनका है, वो प्रचारक हो जाते हैं, वो मेडिएटर हो जाते हैं और वो व्यवसायी हो जाते हैं, वो अपना लाभ कमाते हैं। तो बचे, ऐसे लोगों से बचें जो भक्ति का सहारा लेकर लोगों को लूटते हैं, लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं।
तो आज का विषय भक्ति, स्वामी भक्ति, अंध भक्ति, और जब ये भक्ति होगी तो भक्त भी होंगे। तो इन्हीं विचारों के साथ आज का ये विषय यहीं समाप्त करते हैं और आपको शुभकामना देते हैं कि आप भक्त रहें मगर अंध भक्त बिल्कुल ना बने। अंध भक्त का जीवन बहुत ही कष्टकारी होता है, बाहर से कितना भी सुखद लगे मगर वो कष्टकारी होता है। और सम्मान सम्मान तो अंध भक्त को बिल्कुल ही नहीं होता है, वो सम्मान के लिए तरसता रहता है, तड़पता रहता है। शुभकामना एवं मस्त अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि।